चुनाव में धनबल की कितनी ज़रूरत होती है यह अंदाज़ा आप लगा सकते हैं राजनीतिक दलों के धन संग्रह करने की शैली से, और ख़ास करके जब आपको जीतने की ललक ज़्यादा हो तो आपको धन भी ज़्यादा खर्च करने होते हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने धन खर्च करने की एक सीमा बना रखी है, लेकिन इसके भीतर ही भीतर और अंडर द टेबल बहुत कुछ होता है, ये बातें सभी जानते हैं। आपको बता दें कि अचानक से नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में अर्थतंत्र को विशेष अहमियत दी है और पार्टी के आर्थिक मजबूती के लिए अभियान चलाने की बात कही है, और ये काम मार्च तक पूरा कर लेना है, ये भी बात स्पष्ट तरीके से कही जा चुकी है। अब इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि चुनाव के लिए पूरी तरह से जदयू तैयार है, और चुनावी तैयारी को लेकर के नीतीश कुमार के इशारे पर पार्टी ने शुरू कर दिया है धन संग्रह का काम, और ये काम शुरू होकर मार्च तक चलेगा, ये भी बात क्लियर हो गई है। इस महीने के 22 तारीख से शुरू होगा और मार्च में ये समाप्त हो जाएगा। धन संग्रह करने के लिए कई तरह की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऑनलाइन रसीद से कूपन से सहयोग राशि प्राप्त की जा सकती है और स्वेच्छा से लोग पार्टी के फंड में अब राशि जमा करें। इन सारी बातों को लेकर के अर्थतंत्र को मजबूत करने के लिए जदयू ने स्वैच्छिक सहयोग के लिए राशि संग्रह करने का अभियान चलाया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने सोमवार को इस संदर्भ में एक वर्चुअल माध्यम से पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक की, और इस बैठक में ये बात तय किया गया कि 22 जनवरी से लेकर के मार्च तक धन संग्रह का कार्यक्रम चलाया जाएगा, और इस अभियान में पूरी तरह से स्वेच्छा से खुल करके सहयोग करें। ऑनलाइन के साथ साथ रसीद और कूपन के माध्यम से भी धन संग्रह किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले वर्ष जुलाई में भी जदयू ने राज्यव्यापी स्वैच्छिक सहयोग राशि संग्रह करने का अभियान चलाया था और इसको अमली जामा भी पहनाया गया था, लेकिन इस बार जो धन संग्रह किया जा रहा है ये चुनाव को लेकर के, चुनाव के मद्देनज़र किया जा रहा है, ये बात भी स्पष्ट हो चुकी है। पार्टी के सूत्रों से अगर देखा जाए और पार्टी सूत्रों की माना जाए तो इसके लिए स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि ये धन संग्रह चुनावी खर्च के लिए राशि जुटाने का एक अभियान है। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। अभियान के लिए पार्टी के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला संग्रह प्रभारी, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, विधान पार्षद, पार्टी प्रत्याशी तथा संभावित उम्मीदवारों को जिम्मेवारी दी गई है। जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के निर्देश पर होने वाली बैठक में कोषाध्यक्ष ललन सराफ भी मौजूद थे, और इसके अतिरिक्त सभी जिला के जिला प्रभारी, जिला संग्रह प्रभारी भी मौजूद थे। पार्टी के सांसद, विधायक भी बैठक से जुड़े थे। आपको बता दें कि ये तैयारी 2024 और 2025 के लिए है, जो कि नीतीश कुमार पूरी तरह से चाहते हैं कि पिछले जो अनुभव रहे हैं उससे वो पार पाएँ, यानी 2020 के चुनाव परिणाम हुए हैं उससे वो संतुष्ट नहीं है, और आने वाले समय में चाहे जैसे भी हो, बाय हुक एंड क्रूक, बेहतर परिणाम दिया जा सके। अब इसमें आप एक बात बहुत महत्वपूर्ण समझ सकते हैं कि मार्च तक ही इसका डेट क्यों फिक्स किया गया है, इस बात को आप बेहतर समझ सकते हैं। क्या समझा आपने, ये ज़रूर अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि हमें भी इंतज़ार है कि आप क्या सोचते हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने मार्च तक ही, जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद का ही समय क्यों निर्धारित किया। इस पर आने वाले समय में बिहार और देश की राजनीति का बहुत कुछ निर्भर करता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386 816 700। धन्यवाद।